मैं सबको बोलता था बॉस ये दूसरा निरहुआ बनेगा देख लेना, दूसरा निरहुआ बनेगा, क्योंकि ये सर जब कुछ बोलते भी है ना तो मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। द वे ऑफ द स्पीक ना मुझे उससे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है, तो सर मेरे मान के चलिए मेरे गुरु ही हैं। मैं कहूँगी कि एक दो एपिसोड प्रॉपर चाहिए होंगे चाचा डिस्कशन करने के लिए। मैंने देखा, मैंने कहा बाप रे ये लड़की नहीं लड़का है, थोड़ा बच के रहो इससे। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिए भोजपुरी सिनेमा के बहुत ही महान शख्सियत मिस्टर कॉमेडियन मनोज सिंह टाइगर साहब। क्या बात है, क्या बात है। और एक शानदार मुलाकात, शानदार तस्वीरें, शानदार वीडियो देसी भारत के कैमरे पर आप देख पा रहे हैं किस तरीके से मुलाकात हो रही है। सर बहुत स्वागत आपका, क्या बात है भैया। पहले एकदम गले हुई है हो। मैं तो यार अनारा को देख के कितनी मुझे खुद से नफरत होने लगती है। क्या यार बाय गॉड बता रहा हूँ, मैं ये कहता था कि इंडस्ट्री में दो लोग कभी दुबले नहीं हो सकते, एक मनोज टाइगर, दूसरा नारा गुप्ता। और नारा गुप्ता ने प्रूव कर दिया। किसके सामने बोल रहा हूँ मैं, किसके सामने बोल रहा हूँ मैं, 2005 से अब की बार 50 किलो करेंगे। सर आपके साथ में इतनी खूबसूरत खूबसूरत सब अदाएं यहाँ पर खड़ी हुई हैं, पर मुझे लगता है कि पाकी जी के साथ आपने बहुत ही ज़्यादा स्क्रीन शेयर किया है, तो बहुत ही शानदार वापसी फिर एक बार भोजपुरी सिनेमा में हुई है, क्या कहना चाहेंगे? सर मैं आपको बताऊँ, मैं एक एक करके सबके बारे में बोलता हूँ। ये मेरी माँ है, ठीक है। हाँ मैंने ना इंडस्ट्री में जो शुरुआत की, मैंने तो कभी कपड़े खरीदे नहीं, मैं इन्हीं को बोलता था माते कुछ कपड़े ले लो यार पहनने के लिए नहीं है, सच में बता रहा हूँ। और हमने और दिनेश ने और पाखी ने जो वक्त गुजारा साथ में और जो काम किया, और मुझे लगता है एक साथ 30-35 हिट कंटिन्यू हम देते रहे, एक साथ 35 हिट। और हमारा जो है एक बैग पैक रहता था तैयार, एयरपोर्ट से उतरे हम अपने घर नहीं गए, दिनेश के घर आए, इनके घर पे कपड़े पड़े हुए हैं वहाँ से लिए, वहाँ से भागे, कमाल का काम किया उस दौर में। और इतनी पॉजिटिव लेडी, और मैं कभी भी पीछे बुराई उराई करता था तो सबसे ज्यादा डांट मुझे पड़ती थी, चचुआ किसी, ये मुझे चचुआ कहती है। कभी पीछे किसी के बारे में नहीं बोलने का, कुछ भी गलत नहीं बोलने का, नहीं शांत रहो पॉजिटिव बोलो, तो ये पॉजिटिव बोलना और ये मुझे बहुत कुछ सीखा। और ये शख्स जो आपके सामने खड़ा है, नहीं मैं बताऊँ, ये आदमी 2014 में मेरे पास सिमीरा रोड में आते थे, और इस आदमी कोई ऐसा आदमी को साइन करने को तैयार नहीं। अरे ठीक है, अरे ठीक है, अरे ठीक। मैं सबको बोलता था बॉस ये दूसरा निरहुआ बनेगा देख लेना, दूसरा निरहुआ बनेगा, लेकिन कोई भी गंभीरता से लेने को तैयार नहीं। दूसरा निरहुआ, यस मैं बोलता था ना। बाकी बाकी मैम आप इधर आइए, आप चेहरा क्यों छुपा रही हैं, पहले क्यों बताएं। और वही हुआ, सडनली दिनेश जी ने जो विधि छोड़ दिया था धोबी गीत और ये, उसको अडॉप्ट कर लिया। हाँ और क्या, तो इनका वही सर क्या हिट हुआ, और फिर से धोबी गीत को घर घर पे गली गली कूचे कूचे में बजना शुरू हुआ। और अब बंदा आज गायकी में भी तहलका मजा दिया, एक्टिंग भी चढ़ता चला रहा है, सुपरस्टार है मेरे भाई। और ये अनारा जी हैं, मैं फिल्म बतासा चाचा कर रहा था, मेरे साथ कोई हीरोइन काम करने को तैयार नहीं। अरे मनोज टाइगर की हीरोइन कैसे बनूंगी, मैंने भाई एक बार फ़ोन किया, मैंने अनारा जी से कहा कि अनारा जी मेरी फिल्म करना है, इन्होंने पैसे भी नहीं पूछे और मेरी फिल्म किया इन्होंने बतासा चाचा। बहुत अच्छा लगा। और ये है प्रीति जी, प्रीति जी से मेरे ज़्यादा जान पहचान बहुत पुराना नहीं है, लेकिन मैंने इनको जितना देखा है, पाखी जी ये सही मायने में एक बड़ी अच्छी अभिनेत्री, नेचुरल एक्ट्रेस है। एक इनकी फिल्म थी कोई जिसके लिए मैंने वो किया था, आपने कहा था एक हाँ, बड़ी तो ये भोजपुरी के भविष्य हैं लोग। और ये लड़की के बारे में पता नहीं मैं गलत हूँ कि सही, यू आर स्नेहा उपाध्याय, लेकिन मैं तुम्हारा इंस्टाग्राम पे देखता हूँ, इंस्टाग्राम पे मैंने देखा वो जानता हूँ, अच्छा है कैपिटल। तो भाई देखिए अपना यही परिवार है, और हमारी ये छोटी सी इंडस्ट्री है, इसको बड़ा करना है हम लोगों को, इसके लिए हम लोग लगे हैं, इसीलिए हम तेलुगु फिल्म की शूटिंग कर रहे थे, वहाँ से भाग कर आए यहाँ। क्या बात है, क्या बात है। और
टाइगर साहब ने इतनी ज़्यादा सारे ही लोगों की तारीफ की, लेकिन इनकी तारीफ में अगर ये ना कहें, मैं इसको दूसरे वीडियो में डाल दूंगा, लंबा हो रहा वीडियो, मैं सेकंड में डालूंगा ये, लेकिन मैं चाहता हूँ समर भैया आपसे शुरुआत करते हैं। आपको निरहुआ जी की उपाधि मिली है कि उनके बाद आप एक बहुत बड़ा अपने आप में है ना, एक बहुत बड़ी बात है, ये कैसे देखते हैं इस बात को? ये तो हमारे घर के भैया हैं, हमारे पिता समान हैं और हमेशा गाइड करते रहते हैं। और चले गए तो वहाँ शूटिंग करना था। मैं क्या कहूँ भैया के बारे में, ये हमारे पिता समान हैं और इन लोगों को देख के हम इस लाइन में आए हैं और इन्होंने बहुत बड़ी बात कह दी, शायद मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। और हमेशा सिखाते रहते हैं, बताते रहते हैं कि नहीं ये अच्छा करो, ऐसे करो, तो ये हमारे लिए मतलब एक शिक्षक है। हाँ, और हमने फिल्म भी किया, कई फिल्म, एक तो हम लोग तिरंगा किए रांची में, उसमें उसके बाद अभी हम एक फाइटर किंग किए, आप देखे होंगे भैया को, सयाजी शिंदे भी थे और भैया थे, हम हमारा प्रयास किया जाएगा यार। अभी इतना काम है कि करते 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 ही जाना है। क्या बात है अनारा, तो एक कॉल पर आपने फीस भी नहीं पूछी और तुरंत हाँ बोल दिया। हाँ, क्योंकि आई थिंक मेरी फर्स्ट फिल्म से, जैसे मनोज जी हैं, पाके जी, मेरी फर्स्ट फिल्म से भोजपुरी की विधाता, वो उस टाइम की मल्टी स्टार फिल्म थी और मेरा उससे डेब्यू हुआ था। मेरी फर्स्ट फिल्म से दोनों मेरे साथ हैं और मनोज जी तो ऐसे, मैं इनसे और भी चीज़ों के लिए पूछती रहती हूँ कि कौन सी बुक पढ़ूँ, कौन सी एक्सरसाइज करूँ डायलॉग्स के लिए, मैं इनसे पर्सनली भी पूछती रहती हूँ। तो ये वैसा वाला नहीं है ना कि सीनियर जूनियर, एक परिवार है। मैं उनको कभी भी फ़ोन करती हूँ, मुझे मतलब गाइड करते हैं। पाके जी को हम देखते आ रहे हैं इतने सालों से, उनसे हम सीखते हैं एक्सप्रेशन एंड ऑल दैट। तो आई एम वेरी हैप्पी एंड लकी। लोग बोलते हैं कि मैं जम्मू से हूँ और कहाँ भोजपुरी में पहुँच गई, बट मैं अपने आप को ये बोलती हूँ कि शायद भोजपुरी से मेरा पिछले जन्म का कोई नाता है और जो मैं इस जन्म में इस भाषा के लिए काम कर रही हूँ। और ये सारे लोग, इवन समर, मैंने इनके साथ काम किया, स्नेहू के गाने सुने, प्रीति के साथ अभी काम करके आई हूँ, जितने भी लोग यहाँ खड़े, इवन यू, आप लोग सब लोग मिलके भोजपुरी को आगे बढ़ा रहे हो, तो वो बस डटे रहिए। क्या बात है, प्रीति की तरफ चलते हैं। प्रीति, आप किसी बात के जिक्र कर रही थी इनके साथ, प्रीति से आप भी इसी पूछिए। मैं क्या कहते हैं सर के बारे में इतना कहना चाहूंगी कि हमारी पहली बार मुलाकात हुई थी सबरंग में ही और आपने प्रेस किया था मेरी परफॉर्मेंस को लेके, देन हमारी बात हुई थी फोन पे किसी प्रोजेक्ट को लेकर। मैं एक फिल्म कर रहा था, मैं चाहता था कि मैं इनको कास्ट करूं। जी, तो मैं इनसे मेरा जुड़ाव इसलिए क्योंकि ये थिएटर से जुड़े हुए हैं और मुझे जो थिएटर से जुड़े होते हैं उनसे एक अलग ही लगाव होता है, क्योंकि ये सर जब कुछ बोलते भी है ना तो मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। द वे ऑफ द स्पीक ना, मुझे उससे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो सर मेरे, मान के चलिए, मेरे गुरु ही हैं और थिएटर से जुड़े हुए मेरे हर लोगों से बहुत प्यार होता है, तो बस सीख रही हूँ इनसे। पहली बार भी हम मिले हैं लेकिन मैं एक्टिंग से रिलेटेड तो कुछ नहीं बोल पाऊंगी, बस ऐसे ही बोलूंगी उनकी जो कॉमेडी मैं देखी हूँ, जिस तरीके से करते हैं, मतलब जिसको नहीं भी हंसी आनी रहेगी उसको भी हंसी आ जाती है जिस तरीके से वो डायलॉग डिलीवरी उनकी होती है। तो बस ऐसे ही बोलेंगे, यही बोलूंगी कि बस आपको ऐसे ही हंसते हुए और हंसाते हुए देखना चाहिए। पाकी जी, बहुत बातें हैं, पाकी जी आखिरी में आप क्या कहेंगे? मैं कहूंगी कि एक दो एपिसोड प्रॉपर चाहिए होंगे चर्चा में डिस्कशन करने के लिए। इनसे मुलाकात हुई थी पहली बार निरहुआ रिक्शा वाला के सेट पे और जैसे मेरे को देखे थे सब लोग भागे थे। मैंने देखा, मैंने कहा बाप रे ये लड़की नहीं लड़का है, थोड़ा बच के रहो इससे, भाग गए थे हम सब, डरते थे, ये अलग तरफ ये अलग तरफ भाग गए थे, लेकिन ऐसी दोस्ती हुई हमारी। और उसके बाद में जब लास्ट डे था, मतलब जो भी हम लोगों की केमिस्ट्री शूटिंग के दौरान ये हर चीज समझाते थे हमारे, सुबह मिलके जाना था, एक बड़ा अच्छा वाक्य, सुबह मिलके जाना था यही वाला किस्सा था। और बहुत सैड था यार, जा रही है, सुबह नींद में उठा ऐसे चतर, और नींद में मैं सपना देख रहा हूँ कि चली गई। मैं बोल रहा हूँ यार कमाल है, सुशील भाई बिना मिले चली गई, फिर देख रहा हूँ सामने एक लड़की आ रही है, बाकी चचुआ तू सपना देख रहा है क्या? ये इतना हम लोगों का मतलब प्यार आपस में बना रहा, हम लोग एक दूसरे के टीचर बने रहे दिनेश जी और इनको, अंग्रेजी मैंने बीड़ा उठाया था कि मैं अगर अंग्रेजी में बात नहीं करेंगे तो 300 रुपया फाइन, जो ये पे नहीं करते थे और अपना एक दो लाइन बोलने के बाद नहीं निकल लेते थे भाई, लेकिन कंटिन्यू किए ये, हम लोगों को अंग्रेजी तो नहीं सिखा पाई, हम लोगों ने इसको भोजपुरी में मर्तब कर दिया। क्या बात है, इसी तरह की
इसी तरह की बधाई हमेशा चलती रहे। तो गाइस जाते जाते क्योंकि क्योंकि कुलदीप श्रीवास्तव जी ने हम सभी को एक साथ जोड़ा हुआ है सबरंग अवार्ड में, एक बार जोरदार सबके साथ में बोलते हैं सबरंग अवार्ड 2021।